बिलासपुर बजरंग दल ने प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अगुवाई में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश संयोजक डोगरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बजरंग दल पहली से 18 मई तक मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित करेगी। बिलासपुर बजरंग दल ने प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अगुवाई में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बजरंग दल 1 मई से 18 मई तक मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन करेगा। बजरंग दल के स्वयंसेवक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत स्वच्छ छवि वाले व्यक्तित्व को विजयी बनाने के अलावा जनहित में काम करने वाले राजनेताओं को सत्तासीन करने के प्रति मतदाताओं से आह्वान करेंगे। बजरंग दल देश में एक ऐसी सशक्त सरकार का निर्माण करना चाहती है जो राष्ट्रहित में काम करने के अलावा राम मंदिर निर्माण, गोवंश की रक्षा के प्रति कार्य करने में विश्वस्त हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने में सामर्थ्यवान होने के अलावा इन मुद्दों पर कृत संकल्प हो, जो अपने चुनावी मुद्दे पर सत्तासीन होने के उपरांत अड़िग रहे, मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सक्षम सरकार के निर्माण के प्रति आह्वान करेंगे। इस दौरान बैठक में बजरंग दल के विचारक एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। बजरंग दल का क्या कार्यक्रम है मतदान को लेकर? बजरंग दल ने भारत प्रथम के नाम से एक पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अभियान लॉन्च किया है, मतदाता जागरूकता अभियान, जिसमें 1 मई से लेकर 18 मई तक संगठनात्मक तौर के ऊपर हमारे 24 जिलों के 117 प्रखंडों में बजरंग दल के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर, स्तर तक दस्तक देकर ऐसी सरकार बनाने के लिए, मतदान जागरूक करने के लिए लोगों को कहेंगे, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो राम मंदिर के ऊपर बात करेगा, जो धारा 370 को खत्म करने की बात करेगा, समान नागरिक कानून, गाय गंगा गीता की रक्षा करने की बात करेगा, उन व्यक्तियों को मतदान करने के लिए शत प्रतिशत मतदान हो, लोकतंत्र के परम में अपनी आहुति डालें, इसके नाते हम लोग ये मतदाता जागरूकता अभियान 1 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश के अंदर जागरूक करेंगे।